हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बनाते हैं दीपावली के लिए मिठाइयाँ, जो एक चाशनी से बनेंगी और झटपट बनेंगी। एक मतलब चाशनी से, चाशनी हम एक ही बार बनाएंगे और दो मिठाइयाँ उसमें बन जाएंगी। इधर मैंने ले लिया है 350 ग्राम तक मैदा, जो हमारा नाप के चलेंगे 1 कप है, फिर 1/2 कप, 1.5 कप हमारा, ठीक है, ले लेंगे। आप कोई भी नाप ले सकते हैं। इधर हम ले लेंगे बेकिंग पाउडर मैदा में, हम थोड़ा सा 1/4, देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, 1/4 बेकिंग पाउडर डालेंगे। सोडा नहीं डालना है, बेकिंग पाउडर डालना है, ठीक है दोस्तों। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर भी कीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा तो कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी है। ये देखिए, लेवल कर लीजिए और हम इसको मैदा में डाल देंगे, मिक्स कर देंगे इस तरह से, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसके बाद हम इसमें घी हम डालेंगे, लेकिन घी ठंडा नहीं डालेंगे। ये मैंने डाला है नमक, नमक भी हम 1/4 TSP ले लेंगे, ठीक है। दोनों चीजें डालने के बाद इसी कप से हम 1/2 कप घी लेंगे, ये देखिए। और घी को थोड़ा मेल्ट कर लेना है, जमा हुआ घी नहीं लेना है, हल्का सा गुनगुना कर लेना है। इसी में अगर आप कलर डालना चाहें तो कलर डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा डाला था, रेड कलर डाला था हल्का सा, आप ऑरेंज है, येलो है, जो भी आपको पसंद हो, जो आपके पास अवेलेबल हो। नहीं हो तब भी चलेगा, कोई ज़रूरी नहीं है कलर डालना, वैसे ही अच्छी बनेगी। बस मेरा तरीका अगर आप अपनाएंगे तो इस तरह से आपकी बालूशाही बहुत अच्छी बनेगी, बहुत टेस्टी बनेगी। देखने के साथ साथ दोस्तों, ये बहुत टेस्टी है, यम्मी बनी थी, बच्चों ने बहुत इंजॉय की। सो आप दीपावली पे ये मिठाई बनाइए और आप महीनों भर रख के खा सकते हैं, कोई खराब भी नहीं होगी। ये देखिए इस तरह से, जिस कप से हमने 1/2 कप घी लिया था और मैदा 1.5 कप लिया था, उसी सेम कप से हम 1/2 कप पानी लेंगे। जितना कप हम घी लेंगे उतना ही कप में हम पानी यूज करेंगे, ठीक है। पानी इसमें डालेंगे, पानी भी थोड़ा थोड़ा डालेंगे, धीरे धीरे डालेंगे, एकदम सारा नहीं डाल देना है। ये देखिए इस तरह से डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। पहले घी को अच्छे से मिला लेंगे हाथों से रगड़ के, खूब लड्डू बनने लगे इस तरह से। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और हाथों से, धीमे हाथ से मसलते रहेंगे। डो हमें टाइट नहीं लगाना है, सॉफ्ट डो लगाना है, कि बहुत हार्ड कर लेंगे, हार्ड नहीं करना है दोस्तों। पूड़ी का नहीं लगाना, जिस तरह से रोटी का हम आटा लगाते हैं ना, इस तरह से सॉफ्ट डो लगाना है हम लोग को, ठीक है। बस इस तरह से मसल मसल के आटे को गूंद लेंगे हल्के हाथ से, जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं, सॉफ्ट, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट, इसी तरह से आटा लगाएंगे। ये ध्यान रखिएगा टाइट डो ना हो। देखिए कितना सॉफ्ट है आटा, हाथों से पकड़ में कितने हाथों से ही पता लग रहा है। तो इस तरह से मसल लेंगे इसको, खूब अच्छे से मसल लेना है इस तरह से। हो सके तो आप 2-3 बार पटक लीजिए इसी में हाथों से खूब कस के, तो आटे को शेप मिल जाती है अच्छी। ये देखिए, आप इसको रेस्ट में रखना चाहें तो रख सकते हैं, मैंने रखा था 2 मिनट के लिए, क्योंकि मैं तेल को गर्म करने गई थी। आप रिफाइंड घी में किसी में सेक सकते हैं, तो मैंने लाइए कढ़ाई रख के, और उसकी चाशनी भी बनानी है तो बने रहिए आगे मेरी वीडियो फुल वॉच कीजिएगा दोस्तों। इस तरह से रेस्ट हो चुका है, ये देखिए। अब इसकी छोटी छोटी लोइयां काट लेंगे, जितनी बड़ी शेप में काटनी है बड़ी काटनी है, आप बड़ी बना सकते हैं, मैंने छोटी छोटी ली थी उंगली की सहायता से, अंगूठी की सहायता से। आप इसमें बीच में इस तरह से दबा देंगे ताकि एक अच्छी शेप आ सके। बालूशाही लग रही है ना दोस्तों, अभी तो ये कम लग रही है, जब ये सिक जाएंगी, सिक के तैयार हो जाएंगी, चाशनी में पड़ जाएंगी, तब देखिएगा आप, सच में बहुत बहुत यम्मी बनी थी। इस तरह से बनाइएगा दोस्तों, और बिल्कुल जिस तरह से मैंने मैदा और घी लिया है उसी तरह से आप डालिएगा, कलर डालें चाहे ना डालिए, घी और पानी और मैदे का बिल्कुल सेम क्वांटिटी लीजिएगा, ठीक है, तो ही आपकी इस तरह से बन पाएंगी। ये देखिए सारी बनके तैयार हैं दोस्तों। अब इनको हम, तेल गरम इधर हो गया है हल्का, तेल देखिए इतना गरम करना है, हल्का हल्का बबल आ रहे हैं, देख रहे हैं ना आप, ये देखिए बबल आ रहे हैं ना हल्के हल्के, बस
इतना तेल गरम हो, बहुत ज़्यादा गरम नहीं कर लेना है तेल, और बिल्कुल हल्की लो फ्लेम में धीमे धीमे सेकना है, बस डाल देना है इसमें, इसको टच नहीं करना है। अभी सारी बालूशाही हम इसमें डाल देंगे तेल में। ये देखिए मैंने सारी ही लगभग डाल दी थी, बड़ी कढ़ाई थी तो आप उस हिसाब से डालिएगा जितना आपका ऑयल है, दो बैचेस में आप सेक सकते हैं। ठीक है, मैंने सारी डाल दी थी और इसको धीमे धीमे सिकने दिया है। ये देखिए बस इसको ज़्यादा टच नहीं करेंगे, हल्का हल्का कलर धीरे धीरे चेंज हो जाएगा दोस्तों। ये देखिएगा, अभी ये देखिए हो गया ना, और फूल के बड़ी भी हो गई क्योंकि हमने बेकिंग पाउडर डाला है ना, तो उसकी वजह से क्या है इनमें इतना इतना मतलब अच्छे से क्रिस्पी हो जाती हैं। हल्का आप चुटकी भर ज़रूर डालिएगा, मैंने 1/4 डाला था, अगर आप डालना चाहें उतना डालिए, उससे इतना मतलब क्रिस्पीपन आता है, एकदम करारी हो जाती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं खाने में। चाशनी आप वैसे भी बना सकते हैं, जैसे गुलाब जामुन हम डिप करके रखते हैं और उनको निकाल के रख लेते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। और जिस तरह से मैंने सूखी हुई चाशनी बनाई थी, शक्करपारे की बनती है, जैसे बालूशाही हलवाई बनाते हैं ना दोस्तों, इस तरह से ये आप स्टोर करके कितने भी दिन रख सकते हैं, इसको महीनों भर रख के खा सकते हैं, नहीं ख़राब होती। वैसे महीनों भर तो रहती नहीं है बच्चों वाले घर में। ये देखिए मैंने 1 कप ले लिए चीनी, दोनों के लिए मैं चाशनी तैयार कर लूँगी। शक्करपारे आगे बनाएंगे हम, अभी मैं बालूशाही के लिए और शक्करपारे के लिए दोनों ही इकट्ठी चाशनी बना रही हूँ, क्योंकि हमें सेम ही इनका रखना है, मतलब चाशनी सेम बनेगी, बिल्कुल एक तार की जैसे बननी है ना चाशनी, उस तरह से बननी है दोनों की। थोड़ा एक तार से ज़्यादा भी कर लीजिएगा क्योंकि इसकी एकदम से चिपचिपी चाशनी होती है। ठीक है, चिपचिप, अभी दिखाऊंगी मैं आपको किस तरह से। ये देखिए पानी भी थोड़ा ही लेना है, 1 कप चीनी में 1/2 कप पानी मैंने लिया था, बस इसको बॉयल आने दिया है। और ये देखिए मैं आपको दिखाऊंगी, अभी चाशनी गर्म है दोस्तों, संभाल के। तो देखिए ये देखिए ये तार बन रहा है ना, ये देखिए दो तार बन रहे हैं ना, तो दो तार की चाशनी बन जानी चाहिए। ठीक है, ये गर्म होती रहेगी, सूखती रहेगी, पानी इसका हल्का उड़ जाएगा, मतलब मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा, चाशनी बिल्कुल एकदम। ठीक है, गैस बंद कर दीजिए, इस स्टेज पे गैस बंद कर देंगे, गैस को जलने नहीं देंगे, अब मैंने बंद कर दिए। अब ये हम क्या करेंगे, सारी बालूशाही इसमें डाल देंगे। ठीक है, डालने के बाद बस इसके ऊपर चाशनी इस तरह से अलट पलट कर दीजिएगा, अलट पलट करने के बाद इस पर जितनी चाशनी है सारी ऊपर चढ़ जाएगी। जैसे ही चाशनी हमारी सूखेगी, ये देखिए ठंडी होती जाएगी, जैसे ठंडी होती जाएगी वैसे बस इस पर कोट आती जाएगी वाइट वाइट चीनी जैसी, और उसका फ्लेवर इतना यम्मी लगता है इस पर, मतलब आप इस स्टेज पे अगर आप बताइए गरम गरम खाने का मन करे तो इस तरह से आप कोई भी गेस्ट आए, ड्राई फ्रूट आप इस पर गार्निश कर दीजिए दोस्तों, कोई भी आए और आप सर्व कर सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट अगर आपको गार्निश करना है इस स्टेज पे करिएगा, मैंने बाद में डाले थे तो वो चिपक नहीं रहे थे, क्योंकि ये चाशनी अभी थोड़ी गर्म है ना, हल्की सी गुनगुनी है, तो इस पर क्या कहेंगे कोट हो जाएंगे अच्छे से ड्राई फ्रूट, है ना। कोई भी जैसे काजू बादाम पिस्ता जो भी आप डालना चाहें, तो गेस्ट के लिए तो मैंने घर में बनाई थी, तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने वीडियो शूट किया है, मुझे मन किया कि चलिए आज मैं बालूशाही बनाती हूँ, पहले भी मैं कई बार बना चुकी हूँ। ठीक है, तो इसको अगर आपको ये मेरी बालूशाही की वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो आगे भी सब लोगों को मिलती रहे और इन्जॉय करते रहें सब लोग। और त्यौहार पर तो अच्छी लगती है ना मिठाइयाँ। ये देखिए सूखने के बाद कैसा हो गया है इसका, अब मैंने ड्राई फ्रूट यहाँ पर गार्निश की है, लेकिन वो चिपकते नहीं हैं दोस्तों, तो इसलिए जब जिस स्टेज पे हमने चाशनी मिलाई थी ना थोड़ी गुनगुनी थी, उस स्टेज पे आप ड्राई फ्रूट डालेंगे तो चिपक जाएंगे, तो अच्छे लगेंगे देखने और खाने में, दोनों में ही अच्छे लगते हैं। कोई गेस्ट आए उसमें भी आप सर्व करिए तो आपकी तारीफ करते नहीं थकेगा। ये देखिए कितने देखने से ही पता चल रही है, एकदम अंदर जाली जाली सी हो गई है, बहुत सॉफ्ट थी, खाने में बहुत यम्मी थी दोस्तों। सो बनाइए, आप बच्चों को खिलाइए, सबको खिलाइए और स्टोर करके रखिए, आप जितने महीने महीने खाना है आपको आप बनाइए। इधर मैंने शक्करपारे के लिए मैदा ले लिया, सेम मैदा सेम क्वांटिटी 1.5 कप मैंने ली है, 350 ग्राम है ये,
जितनी मैंने बालूशाही में ली थी, सेम मैंने 1/4 बेकिंग पाउडर लिया है, ठीक है, सेम वही क्वांटिटी रहेगी। आप लोगों को मतलब भूलने का भी नहीं कि भूल जाए, दोनों चीज़ें आप एक बार में बना सकते हैं, एक बार में डो भी इसका लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अगर आप एक बार में लगाएं, देखिए ये 1/4 है, नहीं हाँ हाफ कप लिया है मैंने घी, देसी घी, ठीक है, 1.5 कप मैदा में 1/2 कप मैंने घी ले लिया था। और उसी 1/2 कप से पहले मैंने बड़े वाले कप से दिखाया था मैंने बालूशाही के लिए, लेकिन अब मैंने 1/2 कप निकाल के आपको दिखाया कि ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। और 1/2 कप ही पानी है, देखिए मैंने पूरा डाल दिया है, बस पानी इतना ही लगेगा। अगर थोड़ा बहुत अगर कम पड़े तो आप हाथों से छींटा मार लीजिएगा, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, इसका डो बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रहेगा, सेमी सॉफ्ट लगाइएगा, ठीक है दोस्तों। ये देखिए इस तरह से हाथों से मसल मसल के आप अच्छे से इसका डो लगा देंगे। इसमें हमने नमक नहीं डाला दोस्तों, आप डालना चाहे डाल सकते हैं, आवश्यकता नहीं थी नमक की, ये तो वैसे भी अच्छी टेस्टी बनती है। नमक से ये है मीठे में टेस्ट अच्छा आता है, लेकिन मुझे याद भी नहीं रहा था। और फिर आप डालना चाहे डालिए, ज़रूरी नहीं है, स्किप कर सकते हैं इसको। बेकिंग पाउडर थोड़ा सा डाल दीजिएगा, उससे एकदम करारी और फूली फूली बनेगी। बेकिंग पाउडर से मैदा जो होती है वो जाके तेल में जाके फूल जाती है, जैसे बालूशाही देखी थी हमने छोटी छोटी बनाई थी, कितनी बड़ी बड़ी हो गई थी फूल के। ये देखिए बस मैदा हमारी अच्छे से गुन गई है, बहुत ज़्यादा इसको मसलना नहीं है, बस एक सार करके और रख देना है इसको, बस ऐसे करके और इसको रख देना है, ठीक है, इसको यूँ करके हम रख देंगे। देखिए हाथों से मैदा छूट गई है घी की वजह से, घी पड़ने की वजह से इसमें इतना सॉफ्टनेस थी दोस्तों। अब इसको क्या करना है, रेस्ट कराइए थोड़ी देर, कराइए, नहीं तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। बस इसको बड़ी सी पूरा आटा ले लिया है हमने, मतलब मैदा जो थी ना डो हमारा वो पूरा हमने ले लिया है। दो आप दो भाग में भी बना सकते हैं, अगर छोटा छोटा करके बनाना चाहें छोटी लोइयाँ, लेकिन मैंने एक बार में ही इसको बना के कट किया था। ये देखिए आप इस तरह से बनाइए, तो मोटा मोटा बेल देंगे, किस तरह से बेलना है ये देखिए, और थोड़ा मोटा ही रखिएगा इसको, पतला नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। मैदा है, स्टिचेबल रहती है, देखिए कितना खिचके आ रही, जितना बेल रहे उतना ही, फिर ये देखिए अच्छे से। अगर मेरी वीडियो पे आप लोग नए हैं, प्लीज़ पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, है ना। आगे आगे सारी वीडियो जो जैसे आती रहेंगी वैसे वैसे आप लोग देखते रहें। ये देखिए इतनी थिकनेस रखनी है इसकी, बहुत पतली मत कीजिएगा दोस्तों, पतली करने से क्या होगा, फिर वो शक्करपारे का मतलब टेस्ट नहीं आएगा, उस तरह से पता नहीं चलेंगे शक्करपारे है ये या मट्ठी है, है ना। जो नमक पारे होते हैं वो भी होते हैं ना, तो वो थोड़े पतले बनाए जाते हैं। नमक पारे की भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ पहले, कई रेसिपी कर चुकी हूँ, आटे की भी की है और मैदे की भी की है। इस तरह से कट कर लेंगे, देखिए दोस्तों आपको पता चल रही है ना कितनी थिकनेस है इसकी, बड़े पीसेस में, छोटे पीसेस में। अच्छा छोटे पीस में मैंने अभी आप देख रहे हैं मैंने बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है, रेक्टेंगल पीसेस जो है इसके कट किए थे, फिर मैंने स्क्वायर में कर लिए थे, बीच से एक एक कट और लगा दिया था। क्यों? क्योंकि ये ना फिर बड़े होते हैं, फूल जाते हैं, जैसे तेल में डालेंगे ना वैसे फूल जाती है मैदा, क्योंकि बेकिंग पाउडर जो हमारा पड़ा है ना वो उसकी वजह से सॉफ्टनेस आ जाती है, फूल भी खूब जाते हैं, अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं, खूब करारे हो जाते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए कितनी मोटी है, और सेम वही तेल है, उसी ऑयल में मैंने रिफाइंड का ऑयल लिया था, आप घी में भी कर सकते हैं इसको, तल सकते हैं। सो देखिए वही सेम बालूशाही वाला तेल है, और तेल हमें इतना गुनगुना रखना है, ठीक है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस हल्का गुनगुना रहना चाहिए। इस तरह से सारी डाल देंगे, और सब शक्करपारे जो हमारे हैं बस अलट पलट करके फ्राई कर लेंगे, ठीक है।
बस इसे दो दो सेकंड के लिए हाथ ना लगाइए, बस डाल के छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर धीरे धीरे भूनते रहेंगे ना, फिर इनको अलट पलट कीजिएगा। ये देखिए कितनी फूल के बड़ी बड़ी हो गई हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। और जितनी मोटी बनाएंगे ना उतनी ही टेस्टी और यम्मी बनेगी, क्योंकि इस पे जब चीनी की परत जब आती है ना चाशनी की हमारी, तो जैसे बालूशाही थी ना वैसे ही शक्कर वाले, देखिए भुन के तैयार है। फ्राई करनी थी, मैंने सारी निकाल दी थी। और सेम मैंने फ्राई पैन ले लिया है, उसी में एक कटोरी चाशनी मैंने जो शक्कर पारे बनाए थे वो बालूशाही सॉरी बनाए थे, उसमें जो चाशनी मैंने बनाई थी उसी में से एक कटोरी मैंने चाशनी अलग हटा के रख दी थी, ताकि इसमें शक्कर पारे में उसी सेम पैन में मैंने चाशनी डाल दी है। उसी में थोड़ा सा कलर चुटकी भर डाला है येल्लो कलर, और डाल के शक्कर पारे में देखिए मिक्स कर दिए, सेम उसी तरह से जैसे बालूशाही में भी मिक्स की थी ना। और गैस की फ्लेम बंद कर दी है हमने, ठीक है, बंद कर दी है। बंद करने के बाद इसको बस अलट पलट कर देना है, और जैसे ही चाशनी हमारी ठंडी होगी, आप देखते रहिए दोस्तों, ठंडी होती होते ही इनके ऊपर एक परत आ जाएगी चीनी की, जैसे है जैसे बालूशाही पे आ गई थी ना, एक लेयर आ गई थी ना ऊपर, तो इस तरह से देखिए आ गई है ना। मैंने कलर डाल दिया था, आप स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह से बनाइए दोस्तों, फैमिली में सबको खिलाइए, एंजॉय कीजिए, और मेरी रेसिपी फुल वॉच कीजिएगा। आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगती है, बनाने का तरीका कैसा लगता है, तो प्लीज़ 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 थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक भी मार दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।